केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड से तबाही मची हुई है, जिसमें मलबे में से अभी भी लाशें निकल रही हैं। वायनाड की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जिसमें लैंडस्लाइड की आशंका हमेशा बनी रहती है। केरल के वायनाड जिले में मेपाड़ी के पास पहाड़ी इलाके में लैंडस्लाइड के बाद अब तक 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं सैकड़ों लोगों के फंसे होने की आशंका है। आज हम आपको बता रहे हैं देश के 4 बड़े लैंडस्लाइड जिसमें भारी तबाही मची थी। 1998 मालपा लैंडस्लाइड। सबसे पहले बात करते हैं 1998 में उत्तराखंड के मालपा में आए लैंडस्लाइड की, जिसमें करीब 205 लोगों की एक झटके में मौत हो गई थी। इस हादसे में फिल्म एक्टर कबीर बेदी की पत्नी की भी मौत हो गई थी। वह तारीख थी 17 अगस्त 1998 की रात। कैलाश मानसरोवर यात्रियों का 12वां दल कैलाश दर्शन को जा रहा था, तब मालपा कैलाश यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था। छोटे छोटे कई ढाबे रात भर चल रहे थे और चहल पहल रहती थी। इस 12वें दल में प्रख्यात नृत्यांगना प्रोतिमा वेदी भी शामिल थीं। प्रोतिमा कबीर वेदी की पत्नी और पूजा वेदी की माँ थीं। भोजन के बाद भगवान शिव पर आधारित उनके नृत्य का कार्यक्रम था, जिसे देखने के लिए दल में शामिल सभी 80 लोग कैलाश मानसरोवर यात्रियों के साथ ही स्थानीय लोग, सीमा सड़क संगठन के कर्मचारी मौजूद थे। रात 12 बजे नृत्य के दौरान ही जिस चोटी की जड़ पर मालपा बसा था वह ढा गई। पूरा पड़ाव भारी मलबे में दफन हो गया। 2013 केदारनाथ लैंडस्लाइड। उत्तराखंड के ही केदारनाथ में 16 जून 2013 को लैंडस्लाइड्स के बाद बाढ़ के हालात हो गए, जिसमें 5,700 ज्यादा मौतें हुई और करीब 4,000 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए। 2020 पेट्टीमुडी लैंडस्लाइड। तारीख 6 अगस्त 2020 केरल के यूडुक्की जिले के पुट्टीमुंडी में लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें 66 लोगों की मौत हो गई। 400 तो ऐसे थे जो जमीन में ही दफन हो गए और उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका। दरअसल इराविकुलम नेशनल पार्क की सीमा पर जोरदार आवाज के साथ लैंडस्लाइड हुआ, जो पेट्टीमुडी नदी में गिर गया। इस वजह से कन्नरदेवन हिल्स प्लांटेशन के मजदूर जिन घरों में रहते थे वे नष्ट हो गए। ज्यादातर लोग सो रहे थे इसलिए नहीं बच पाए। बिजली कटने से इस हादसे का पता बाहरी दुनिया को काफी देर बाद लगा। यह लैंडस्लाइड इतना भयानक था कि इलाका 10 फीट की ऊंचाई तक मिट्टी से ढक गया और कई जगहों पर बड़ी बड़ी चट्टाने गिरी। 2023 रायगढ़ लैंडस्लाइड। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में इरसालवाड़ी गांव में 19 जुलाई 2023 को भारी बारिश के कारण एक पूरा पहाड़ ही दरक गया। इस भूस्खलन ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें सैकड़ों लोग फंस गए। इस हादसे में करीब 26 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 100 से ज्यादा लोगों के मलबे में दबने की आशंका जताई गई थी।